नमस्कार, स्वागत है आपका सबसे तेज न्यूज में। एक बैनर आप अपने सामने देख रहे होंगे, घर घर संदेश पहुंचाना है, तंबाकू की आदत को छुड़ाना है। तो तंबाकू है जानलेवा। हम ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जिला तंबाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ द्वारा, जो कि जिला स्वास्थ्य समिति का एक अधीनस्थ शाखा है, उसके द्वारा यहाँ पर तंबाकू है उसको नियंत्रित करने के लिए, जो तंबाकू सिगरेट और गुटखा उसको नियंत्रित करने के लिए जो एक कार्यशाला का आयोजन किया गया है। और सब हमारे साथ इस समय मौजूद हैं जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सा अधिकारी, उसके साथ साथ और भी लोग स्वास्थ्य विभाग के मौजूद हैं। हम उनसे लाइव बातचीत करेंगे, क्या है पूरा कार्यक्रम और किस प्रकार से यहाँ पर उसका आयोजन किया जा रहा है। सर, स्वागत है आपका सबसे तेज न्यूज़ में। और किस प्रकार का ये आयोजन किया जा रहा है और क्या इसका मुख्य उद्देश्य है? धन्यवाद। इस कार्यक्रम का हमारा मुख्य उद्देश्य दो है। एक तो ये है कि हर व्यक्ति तक ये संदेश पहुंचे कि तंबाकू का सेवन नुकसानदायक है। यहाँ पर सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान करते हैं उसमें कुछ दंड का भी प्रावधान है। तो इस कार्यशाला के द्वारा, जिसमें कि सीएमएस साहब भी मौजूद हैं, हमारे डिप्टी सीएमओ साहब भी मौजूद हैं, और यहाँ पे डॉक्टर अश्विनी जो इस कार्यक्रम के नोडल हैं ये मौजूद हैं, हमने अपने सारे चिकित्सालयों के अधीक्षक और प्रभारी चिकित्सा अधिकारियों को बुलाया है, जिसके द्वारा हम ये उनको निर्देश दिए हैं कि चीज़ों पर निगाह रखें और प्रचार प्रसार करें, अपने चिकित्सालय स्तर पर इसका निगरानी रखें, और हम वॉल पेंटिंग वगैरह भी करा करके ये जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। हमारे साथ इस कार्यक्रम के जो संयोजक हैं वो अश्विनी, डॉक्टर अश्विनी हैं। वो आपके द्वारा किस प्रकार का आयोजन किया जा रहा है और किस प्रकार से जागरूकता हो रही है? हमारा जागरूकता तो अहम सवाल है, लेकिन क्या क्या है, किस तरह की बीमारी है, लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि इससे मौत भी हो सकती है, जैसा कि कैंसर होता है, माउथ कैंसर होता है और बहुत भयावह बीमारी है, उसको मैंने अपनी तरह से फील भी किया है लोगों को देख के। उसके बारे में संदेश दें कि लोग किस तरह से इसको छोड़ नहीं पा रहे हैं और कितनी भयावह बीमारी है। जी, ये राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम जो चलाया गया है, इसका मेन एम ही यही था कि जो ये भयावह स्थिति हमारे देश में फैलती जा रही है, विश्व में लगभग 60 लाख लोग इसमें कैंसर से और तंबाकू के साइड इफेक्ट से मर रहे हैं, जिसमें केवल 10 लाख लोग हमारे भारतवर्ष में मर रहे थे। तो ये हमारे भारत सरकार द्वारा और विभिन्न राज्यों की सरकारों द्वारा चलाया जा रहा प्रोग्राम है, जिससे हम लोग हर मतलब पब्लिक के बीच में जाके, वो भले NGO हो, पता है कैंसर है, उसके लंग कैंसर है, फेफड़े का कैंसर है, आजकल तो लेडीजों में भी कैंसर का, उसका गर्भाशय का कैंसर भी टोबैको च्यूइंग की वजह से बहुत मिलने लगा है। तो इस अगर लोग इसके प्रति जागरूक होंगे तो इसका रेशियो हमारे देश में कम होते जाएगा, तो पब्लिक पे धीरे धीरे इसका असर आएगा। और किस तरह का आपका जागरूकता है, और जैसे अगर आप लोगों को बताएं, जैसे लोग अवेयर नहीं हैं और जैसे सिगरेट लोग सड़क पे पीते हैं, उसके बारे में क्या प्रावधान है, किस तरह की उनको इसमें एक वो मिली हुई है? सिगरेट पीने के तो नहीं, लेकिन हाँ, जो भी गवर्नमेंट प्लेसेज हैं, जैसे बस स्टैंड है, रोडेज है, रेलवे है, इस सब जगहों पे एक हम लोग का कोटपा एक्ट है। सड़क भी तो सर सार्वजनिक प्लेस आ जाती है। खुला प्लेस नहीं, जहाँ पे उसका अधिकार है, जैसे सड़क है, जैसे अब यहाँ रोड है, चलती रोड पे पी ले, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन एक बस स्टैंड है, वहाँ 10 लोग खड़े हैं, वो जगह सार्वजनिक स्थानों में आता है। कोई रेस्टोरेंट है, भले वो प्राइवेट ही क्यों ना हो, पब्लिक प्लेस है, तो पब्लिक प्लेस पे एक्ट है हम लोग का, कोटपा सिगरेट एंड अदर टोबैको, हर विभाग को इसमें जोड़ा गया है। हम लोगों ने अभी एक NGO के थ्रू, जो स्टेट लेवल से वहाँ से गवर्न हुई थी, उसको 70 स्कूलों पे हम लोगों ने प्राइमरी और कॉन्वेंट स्कूलों को मिला के एक साल का ही प्रोजेक्ट दिया गया था। 70 स्कूलों पे जाके बच्चों के बीच में इस प्रोग्राम के बारे में बताना था, तंबाकू छोड़ने के फायदे, तंबाकू खाने के नुकसान के बारे में। उस NGO ने, वो कहीं बाहर की NGO थी, उसने वो किया, हम लोगों ने उसकी मॉनिटरिंग की, जो कि अपना यही बापू इंटर कॉलेज, जो हम लोग का बहुत बड़ा ये रोड पे स्कूल है, उस पर देखिएगा आप कायदे से कि एकदम मेन रोड पे ही उसने बहुत अच्छा साइनेज लिखवा के रखा है कि 100 गज की दूरी तक यहाँ तंबाकू बेचना एक अपराध है, और 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे इसको नहीं बेच सकते हैं, ये भी एक दंडनीय अपराध है। तो ये एक्ट की वजह से कुछ जागरूकता लोगों में जा रही है। तो आप सुन रहे थे किस प्रकार से जानलेवा है तंबाकू। हमारे साथ ब्रज कुमार जी हैं, CMS हैं। और सर, आप लगातार देखते होंगे जिला अस्पताल में लोग किस प्रकार से दयनीय स्थिति में आते हैं, और उसको लेकर किस प्रकार से इस जागरूकता कार्यक्रम एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, और क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को कि लोग क्या करें? और जो मैं देखता हूं कि
बहुत अच्छे अच्छे लोग, बहुत पढ़े लिखे लोग इसकी लत में हैं, सिगरेट और गुटखा जो है, बहुत अच्छे अच्छे लोग इसको इसका सेवन करते हैं, और कहीं ना कहीं जब ऐसी समय आता है, ऐसा स्थिति आती है जब वो अपने जान खो देते हैं, उनके दुखों का पहाड़ आता है उनके परिवार पर, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे जी? ऐसा है कि हमारे चिकित्सालय में टोटली प्रोविडेड है स्मोकिंग और टोबैको के लिए, बताते हैं कि इस आदमी की प्रेस नहीं है, आप यहाँ पे अगर सिगरेट पियेंगे, एक आदमी पीता है तो 10 को इन्फेक्शन होगा और 10 के लंग कैंसर होने के चांसेस हो जाते हैं, तो इसको तो हमें तो हर हालत में रोकना है। सर वो स्थिति जो दयनीय हो जाती है, कहीं ना कहीं उसको आप चिकित्सक होने के नाते बहुत ही क्लोज रूप से देखते हैं, ऐसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो इसकी लत में हैं? बहुत बड़े बड़े लोग हैं, अच्छे अच्छे पोजीशन पे हैं, लेकिन वो उस लत को छोड़ नहीं पा रहे हैं और कहीं ना कहीं आगे चल के उनको इसका दुर्गामी परिणाम झेलना पड़ेगा। इसके लिए तो गवर्नमेंट ने, ऐसे भी कुछ कंपनियां भी हैं निकोटीन एडिक्शन से छुड़ाने के लिए, कुछ टेबलेट का भी व्यवस्था की है, दवाओं की व्यवस्था की है जो उसका साइड इफेक्ट को रोकती है। जिस प्रकार से ऊपर चर्चा चल रही थी कि जिला अस्पताल या कहीं ऐसा खुला है काउंसलिंग का, क्या है उसके बारे में कुछ बताएं? वो काउंसलर हैं, जब उन ऐसे लोगों को मिलते हैं जो थोड़ा इससे अपनी आदत को छुड़ाना चाहता है, तो उसको बैठा करके बाकायदा उसको काउंसलिंग की जाती है, साइन सिम्टम्स सब बताया जाता है और कैसे छूटेगा ये भी बताया जाता है। हमारे साथ एडिशनल सिमो भी मौजूद हैं, आप जी बताएं इसके बारे में क्या 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 प्रावधान है, किस तरह से उस ये कोई छोड़ना चाहे तो उसको किस तरह से इसके में कार्य करना पड़ेगा जी? इसी तरह पब्लिक अगर अवेयर होगी तो ये कुछ दिन में आके ये सोशल स्टिग्मा हो जाएगा, क्योंकि जो तंबाकू है इससे कोई शरीर का अंग नहीं है जो अछूता रहे, सारी डिजीज मतलब सारे सिस्टम पे अफेक्ट करता है, जैसे कार्डियक हार्ट है, गुर्दा है, ब्रेन है, जैसे सोशल एडिक्शन हो जाता है। तो कुछ समय बाद ये पब्लिक खुद ही अवेयर हो जाएगी, एक तरह की पैसिव स्मोकिंग भी होती है, एक सिगरेट पी रहा है एक्टिव आदमी, दूसरे जो लोग ग्रुप में है वो पैसिव ग्रहण कर लेते हैं टोबैको को, तो वो खुद आने वाले ज़माने में उनको खुद रोके। तो अगर इस तरह का अवेयरनेस बढ़ेगा तो आप देख रहे थे जिस प्रकार से ये सबसे तेज न्यूज की रिपोर्ट कि किस प्रकार से तंबाकू जानलेवा है और जिस प्रकार से चिकित्सकों ने बताया कि तंबाकू जानलेवा है और हर प्रकार के जो शरीर के अंग है उसको प्रभावित करता है। तो सबसे तेज न्यूज की ये मुहिम है कि अगर आप तंबाकू का सेवन करते हैं तो उसे छोड़ें, अगर छोड़ नहीं सकते हैं तो जो यहाँ पे नियंत्रित कार्यक्रम चल रहा है उसको उसमें शामिल हों और इस मदद से आप अपने तंबाकू यानी कि सिगरेट गुटखा को छोड़ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है और इस मुहिम में तंबाकू जो छोड़ नियंत्रण मुहिम में अगर आप अपने आप को भागीदारी बनाना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल सबसे तेज न्यूज़ को। अगले वीडियो में फिर मुलाकात।